राइट सर, अगला सवाल यहाँ पर दीपेंद्र का है जो काफी लंबा सवाल था। आपने कहा था मेरे पास थोड़ी देर से वो रिफ्लेक्ट किया। इस बच्चे ने लिखा है कि सर मैंने आईएससी इसी साल पास किया है, बिहार बोर्ड की स्थिति तो आप जानते ही हैं सर, और उससे भी हमारे टाइम में लॉकडाउन लगा, मतलब ये कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। तो सर मैं बीटेक एग्रीकल्चर करूँ या बीएससी एग्रीकल्चर करूँ या बीटेक सीएस करूँ बीसीएससी के थ्रू, गरीब भी हूँ सर, आई एम वेरी कंफ्यूज। ये दीपेंद्र का मैसेज। गरीब कोई आदमी पैसे से हो सकता है, मन से गरीब मत होना। मैंने गरीबी देखी है, समझ रहे बात को, मैंने गरीबी देखी है और मैंने अभाव देखा है, और वो मोम वाला जो रंग आता था ना, उसको एक एक रंग का लिमिटेड इस्तेमाल करना ताकि दोबारा वो रंग नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्केच पेन नहीं खरीद सकते थे, स्केच पेन बहुत महंगा आता था, समझ रहे हो। और टॉफी जो है कभी 3 महीना में एक बार मिलता था। तो हमने गरीबी क्या होती है, और मतलब अब कोई इतना गरीब भी नहीं था कि खाने पीने के बहुत दिक्कत हो, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है कई बार कि ऐसी परिस्थिति में हूं कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं है और भूख है और मैं कहीं से पैसा मंगवा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो वो सब मैंने महसूस किया है। खैर, तो मैं तुम्हारे 2-3 बातों को नीरज एक बार रिपीट करना। तुमने बात की बीएससी एग्रीकल्चर की और बीटेक एग्रीकल्चर की, और बीएससी सीएस की बात करी या बीटेक सीएस की बात करी। तो एक चीज जान लो, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सेक्टर है लेकिन वहां जॉब की कमी है, और वहां पर जॉब जो है वहां पर थोड़े कम है। तो इसलिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीटेक करें, कंप्यूटर साइंस में भी आप बीएससी सीएस या बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको कहते हैं, ये सारे कोर्सेज अभी बेस्ट हैं। अभी मैकेनिकल में जॉब नहीं है, सिविल में जॉब नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, अभी उन सारे सेक्टर्स में जॉब कम चल रहे हैं। जो ज्यादा जॉब मिल पा रहे हैं वो मिल रहा है बीएससी आईटी में, बीएससी सीएस में, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इसलिए आप उसका ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि जो दीपेंद्र कह रहा है, हाँ, क्या सवाल रिपीट हो सकता है? लंबा सवाल था, लंबा सवाल था। इस बच्चे ने कहा था कि मैंने इसी साल आईएससी की परीक्षा पास की है, हाँ, बिहार बोर्ड की स्थिति तो आप जानते ही हैं सर, और उसमें भी हमारे टाइम में लॉकडाउन लग गया। मतलब बिहार बोर्ड से कोई बच्चा सफल होकर के पास नहीं करता है, कोई बच्चा करियर नहीं बनाता है। मतलब इस बच्चे का इसी बिहार बोर्ड से हम भी पास किए हैं, और ना केवल अपना करियर बनाए, अपना जैसे हजारों का करियर बनाते हैं। मत कोसो दूसरों को, उंगली सामने की तरफ मत दिखाओ, समझ रहे हो ना। जो हर समय तुम्हारी उंगली सामने की तरफ होती है, एक उंगली सामने की तरफ और बाकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ। यस और नो? तुम लोग हमेशा बिहार की स्थिति खराब है, नेता खराब है, मुख्यमंत्री खराब है, मतलब प्रधानमंत्री खराब है, और मेरा भाग्य खराब है, मेरे माता पिता हमको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाए। अरे तुमसे गरीब माता पिता का बच्चा जो है एपीजे कलाम कहां से कहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अखबार भेज के पहुंचा, हाँ। इसलिए अब बिहार बोर्ड, इसी बिहार बोर्ड से निकले, हाँ, जो हम लोग कहते थे कि बोरा वाला स्कूल, जहां बोरा लेके जाना होता था बैठने के लिए जमीन पर, हाँ। तो इसलिए तुम लोग ये सब दूसरों को दोषारोपण बंद करो। और इसी बिहार से हमारे सीमेंट के बच्चे आते हैं, और आज वो जो तिलेश्वर नाथ मंदिर से आशीष मिश्रा अगर एसेंचर में है और अर्नस्ट एंड यंग में विशेष है, और दुनिया भर के छात्र प्रतीक अविनाश जो है वो एसेंचर में और कैप जेमिनी में, कॉग्निजेंट में, दुनिया भर के छात्र जो हमारे हैं, आईबीएम में जो हमारी बच्ची स्नेहा है, एचपी में है, हाँ एचपी में जो हमारे बच्चे हैं, इंटेल में हमारे बच्चे हैं, तो ये सब बच्चे जो है इसी बिहार बोर्ड के ना है। इसलिए बिहार का तो तुम लोग नाम खराब करो मत, बिहार तो बहुत ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट इसी बिहार से निकला, समझ रहे हो, और इसी बिहार के बिहार बोर्ड से पढ़ के निकल गया। और तुम साल अगर बर्बाद करते हो, समय अगर बर्बाद करते हो, तो कसूर तुम्हारा है। दुनिया में लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा कम होगा, अमीर होंगे गरीब होंगे, किसी के पास लाइफ ज्यादा नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है। और तुम अपना उम्र बर्बाद कर रहे हो टिकटॉक पर, जो तुम टिकटॉक पर अपना समय बर्बाद करते हो वो कसूर बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड बोल रहा है कि टिकटॉक देखो, है लगे पड़े हैं सब लोग दिन रात भोजपुरी में गाना देखने के लिए और टिकटॉक देखने के लिए, तो वो बिहार बोर्ड बोला तुमको देखने के लिए, है? तो तुम अपना समय बर्बाद खुद करते हो, कसूर तुम्हारा है।